क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल स्पेस नहीं था, इसलिए मुझे उस वीडियो को केवल वहीं पे पॉज करके मुझे बंद करना पड़ा। नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आ रही है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैकेनिज्म है वो एक तरह से बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका ये पूरा मैकेनिज्म है, जो कि आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कहानी के रूप में आप इसको समझने की कोशिश करना, और प्लीज़ ऐसे लाइट वे में कहानी के रूप में ही लेना। कहानी क्या है? कहानी एक चूहे की है। चूहे में दो स्ट्रेन बैक्टीरिया के हमने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे एक जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन है। ये जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट फॉर्म का है, दैट मीन्स ये निमोनिया डिजीज़ को कॉज कर सकता है। और एक आर फॉर्म है, मतलब एक ही बैक्टीरिया है लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रेन हैं। अब मैं आपको इस तरह से वीडियो में कितना समझाऊं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे निमोनिया रोग न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसके कई स्ट्रेन होते हैं। एक एस स्ट्रेन होता है, एक आर स्ट्रेन होता है। तो जो एस स्ट्रेन होता है वो चूहे में निमोनिया रोग को कॉज करता है, जिसके वजह से चूहे की मृत्यु हो जाती है। और जो आर स्ट्रेन होता है वो चूहे में निमोनिया रोग को कॉज नहीं कर पाता और चूहे जिंदा, मतलब बचे रह जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने माइस में इंजेक्ट किया जो वायरुलेंट टाइप का जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उसको, तो माइस की, मतलब चूहे की मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वायरुलेंट है, रोग उत्पन्न कर सकता है, तो चूहे मर गए। अब हमने चूहे में इंजेक्ट किया जो आर स्ट्रेन का था उसको, मतलब जो जिंदा बैक्टीरिया था लेकिन वो आर स्ट्रेन का था, लेकिन चूहे जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है और ये रोग उत्पन्न, मतलब निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सके चूहे में। देन हमने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हमने माइस में इंजेक्ट किया। मतलब हमने क्या किया, ये जो हमारा न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का जो एस स्ट्रेन है इसको हमने गर्म करके पूरे अच्छे तरह से मार डाला। और देन हमने इसको क्या किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, तो चूहे जिंदा रह गए। अब हमने इसके बाद क्या किया, हमने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया किसको, आर को, मतलब जो आर स्ट्रेन था उसको इंजेक्ट किया, और प्लस हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन का था, मतलब जो मरा हुआ हीट किल्ड था उसको। हमने देखा कि चूहे फिर मर गए। तो इसके बाद जब हमने इसको एनालिसिस किया तो क्या पाया गया, ये हमने नहीं पाया था, ये एक्चुअल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इन्होंने क्या देखा कि जो मरे हुए जो चूहे थे उसके जब उन्होंने सेल्स को एनालाइज किया, तो उसमें देखा कि जो चूहे थे वो निमोनिया रोग की वजह से मरे। और क्या हो गया, जो हीट किल्ड, जो मतलब हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का जो था, ये तो मरे हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना डीएनए इस आर स्ट्रेन में के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ। इसके बाद ये टॉपिक आपका क्लास 12th में भी है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि उस दौरान मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँ। फिलहाल अगर इतने में आपको समझ में आ गया होगा, एक कहानी के रूप में इसलिए मैंने आपको सुनने को बोला था। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। पता होगा आप सभी को, ट्रांसडक्शन भी जो है वो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैक्टीरियोफेज का यूज़ करते हैं। दिस इज़ बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है। और ये वायरस क्या करता है, इसके डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है, और इसके डीएनए के साथ जुड़ के ये जब बैक्टीरियोफेज जब किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है, तो इस बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो इसमें वो इंसर्ट कर देता है। दैट मीन्स दो अलग अलग स्ट्रेन का मिक्स, एक तरह से मिक्सअप हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म। देन एक और डाउट है जो आपके द्वारा पूछा गया है कि वायरस को किंगडम मोनेरा में रखा गया है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वायरस को किंगडम मोनेरा में नहीं रखा गया है।
पुराने जो क्लासिफिकेशन है जो एज ए पुराने बुक्स में लिखे हुए हैं उसमें ये चीज़ डिनोटेड है कि जो वायरसेस होते हैं उसको प्रोकैरियोट्स में उसको रखा जाता है। लेकिन आप खुद ही सोचो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। इस बात पे ध्यान देना, जो किंगडम मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, बट जो वायरस है वो यूनिसेलुलर, तो क्या वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं है? इसका मतलब क्या है कि वायरसेस में कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरसेस के बारे में हम फंगस के बारे बाद नेक्स्ट हम उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वायरस को किंगडम मोनेरा में नहीं रखा गया है। और इसी के साथ इसके कुछ और लक्षण भी है, कुछ और मतलब कुछ और बातें हैं जो कि मैं आपको जब वायरसेस के बारे में पढ़ाऊँगी तो देन मैं वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं उस टाइम पे आपके सामने क्लियर करूँगी। बट आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मुझसे कोई डाउट क्लियर करने के लिए छूट गया है तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप में उसको फिर से डाल के मुझसे पूछना। थैंक यू।